तो जैसे कि दोस्तों निसान भारत में उतारने वाली है अपनी नई कॉम्पैक्ट एसयूवी कार ब्रेजा और नेक्सा को देगी टक्कर। तो चलिए जानते हैं। तो जापान की मल्टीनेशनल कार निर्माता कंपनी निसान इंडिया भारतीय बाजार के लिए एक नई सब 4 मीटर एसयूवी पे काफी समय से दोस्तों काम कर रही थी और इसे साल 2020 में ही हम सभी के लिए लॉन्च किया जाना है। निसान का कहना है कि नई सब कॉम्पैक्ट एसयूवी को एक ऑल न्यू प्लेटफॉर्म पर बनाया जाएगा। हालांकि ऑटो सेक्टर में जानकारी के मुताबिक ये मॉडिफाई ESIS प्लेटफॉर्म के तहत रेनॉल्ट टाइबर को भी टक्कर देने वाली है। और सबसे खास बात दोस्तों आपको बताना चाहूँ कि निसान की इस नई एसयूवी का डिजाइन जापान में तैयार हुआ है। हालांकि कंपनी इस गाड़ी का उत्पादन भारत में करेगी, यानी निसान की ये नई एसयूवी मेड इन इंडिया होगी। दोस्तों अगर इस वेरिएंट के फीचर्स की बात करें तो इसके अंदर आपको 17 इंच के अलॉय व्हील, फ्रंट फॉग लैंप और रूफ रील और स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल एंड एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले के साथ 8 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम देखने को मिलता है। और साथ ही साथ दोस्तों फ्यूल बचाने के लिए इसमें आपको ड्राइविंग मोड जैसे फीचर शामिल किए गए हैं। दोस्तों अगर निसान की नई एसयूवी की इंजन की परफॉर्मेंस की बात की जाए तो इस कार के अंदर आपको 799 सीसी का इंजन देखने को मिलेगा, जो कि 5678 RPM पर आपको 54 BHP की मैक्सिमम पावर और 4380 RPM पर आपको 72 Nm का पिकअप टॉर्क जनरेट करके देगा, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। इस कार के अंदर दोस्तों आपको 5 स्पीड मैनुअली और AMT ट्रांसमिशन का विकल्प देखने को मिलेगा। उसको अगर लॉन्चिंग और कीमत की बात करी जाए तो भारतीय बाजार में निसान की नई 4 मीटर सब एसयूवी की स्टार्टिंग कीमत मात्र 3.70 लाख रुपीस से होने वाली है। अगर इसके टॉप वेरिएंट की बात करें तो दोस्तों वो करीबन 4.80 लाख रुपीस तक जाने वाला है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। तो दोस्तों ये तो काफ़ी अच्छी बात होगी कि निसान मध्यवर्गीय परिवारों को देखते हुए एक नई 4 मीटर सब कॉम्पैक्ट एसयूवी को हम सभी के लिए लॉन्च करने वाली है। अपडेट का दोस्तों खुलासा नहीं हुआ है, जुलाई के बाद ही इस कार को भारतीय बाजार में उतारा जाएगा। तो अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और वीडियो को बिना लाइक करे बिल्कुल मत जाइएगा। मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।